गुड मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हो रही है टेस्टी नाश्ते उत्तपम के साथ में, और साथ में है कड़क चाय। ऐसा नाश्ता मिलता है ना तो दिन बन जाता है। सुबह सुबह के ऑलमोस्ट पे सारे काम कर चुकी हूँ और इस टाइम पर मैं इत्मीनान से बैठ करके कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद में आज आप सबके साथ में शेयर करूँगी कुछ स्पेशल सी शॉपिंग जो मैंने CII एग्जीबिशन से की थी। तो चलिए देखते हैं। लेकिन 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 उससे पहले करूँगी थोड़े से काम घर के जो मैं कई दिनों से टाल रही थी, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था मेरे शंख की सफाई करना। तो मेरे पास ये एक शंख है, ये वामवर्ती सूर्य शंख है जो कि मैं पूजा में बजाती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से ना इसकी आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही है, या फिर यूँ कहूँ कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। इसका रीज़न ये होता है कि इसके अंदर रखे रखे कई बार जैसे हम बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करते ना तो ये डस्ट पकड़ लेता है। तो इसके अंदर अगर हम गुनगुना पानी डालें और थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के अंदर इसको रखेंगे तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी और फिर ये अच्छे से चलने लगता है। तो बस आज इसी की क्लीनिंग कर रही हूँ, और क्लीनिंग करने के बाद में आप देखिए इसके अंदर आपको बिल्कुल हल्की वाली डस्ट दिखेगी जो कि कुछ तो पानी के अंदर नीचे बैठ चुकी है और कुछ पानी के ऊपर तैर रही है। इस तरीके से करके मैंने अच्छे से अपने शंख को साफ कर लिया है, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था, और अब मैं इसको पोंछ करके रख दूंगी। घर की जिस तरीके से सभी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करते हैं, इसी तरीके से शंख की भी डीप क्लीनिंग हर 3 से 6 महीने में ज़रूरी है। आज हस्बैंड का लंच बाहर है तो मैं अपने और अन्वेषा के लिए सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल। और चावल मैं बॉईल करके बनाती हूँ इसलिए एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकाल देती हूँ, और वैसे तो ये पानी बहुत यूज़ में आता है लेकिन जब डेली बेसिस पर राइस बनते हैं ना तो फिर ये उतना काम में नहीं आता, तो मैं इसको फेंक देती हूँ, कभी कभी रख लेती हूँ। तो बस मैंने चावल बना लिए और अब करूँगी अपना फेवरेट काम, यानी कि रंगोली बनाने का काम। ये काम ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है आज घर में कोई काम है जो बहुत ज़रूरी था और मिस हो गया है, तो इसको मैं चाह करके भी मिस नहीं करती, इसी बहाने मेरा शौक भी पूरा हो जाता है। आज जब मैं रंगोली बना रही थी तो आज मैंने किसी को मुझे रंगोली बनाते हुए देखा, लेकिन छिप छिप कर, कभी खिड़की से देखते हुए, कभी रेलिंग से देखते हुए, कभी दरवाजे की ओट से देखते हुए। तो जिसे भी देखना है वो सामने से ही देखे। अगर आपको किसी की भी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट करने से आपको खुद को तो खुशी होती ही है और सामने वाले को भी खुशी होती है। खैर, आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे अपनी रंगोली की पिक्चर्स भेजते हैं, और मैंने भी देखिए धीरे धीरे करके ही ये रंगोली बनाना सीखा है। पहले मैं बिल्कुल भी रंगोली बनाना नहीं जानती थी, लेकिन मैं बनाती रहती हूँ और देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छी रंगोली अब बन जाती है। अब अच्छी बनती है या बेकार बनती है वो तो आप लोग बताएंगे, बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरा प्यार, मेरा समर्पण, मेरा टाइम इसमें जाता है और मुझे अपने घर को इस तरीके से सजा सवरा दे करके अच्छा लगता है, तो इस करके मैं बनाती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है तो इस टाइम पर तुलसी के पास में मैं आजकल डेली ही बनाती हूँ रंगोली, और आज भी मैंने कुछ इस तरीके से रंगोली बनाई है, और आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। बहुत ही सिंपल और ईजी सी पैटर्न में है, आपने देख लिया होगा सारे स्टेप मैंने आप सबके साथ में शेयर किए हैं। नवंबर का महीना लग गया है लेकिन गर्मी बाहर बहुत है, हालांकि सुबह सुबह का ही वक्त है लेकिन फिर भी गर्मी में बैठे बैठे गला सूख गया। तो सबसे पहले मैंने बनाया, थोड़ा सा फ्रूट्स कट किए हैं और थोड़ा सा पानी लिया है। पहले आराम से इत्मीनान से बैठ करके पानी पीऊँगी, फिर ये पूजा के बनाना रखे हुए थे जो कि दिवाली पूजा में यूज़ किए थे वो सब खराब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं खाने में। तो बस मैंने बनाना खाया और उसके बाद में अपना खाने की तैयारी कर रही हूं क्योंकि अन्वेषा आ जाएगी, तो उससे पहले ही मैं कुछ चीज़ें और करनी है, पेंडिंग काम है छोटे छोटे से, तो वो करने हैं। उससे पहले ही मैं आज लंच प्रिपेयर करके रख लूँगी।
जब हस्बैंड वगैरह घर पर नहीं होते या उनका खाना नहीं होता ना, तो हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ हेल्दी ही बनाया जाए। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज पिज़्ज़ा पार्टी की जाए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, कुछ हेल्दी खाते हैं अच्छा रहेगा। तो इस सोच करके मैंने दाल चावल बनाए हैं सिंपल से। फटाफट से मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया है। ये चॉपर मुझे बहुत पसंद है, इसे सेकंड्स में काम हो जाता है, और थोड़ा सा ही अगर आप चाहें चॉप करना कुछ भी तो झटपट से हो जाता है। जितनी देर आपको हाथ से चॉपिंग में लगेगी उससे पहले ही ये काम निपट जाता है। मुझे इस एरिया में कुछ लाइट लगानी थी, और ये मेरा डिफ्यूज़र था जिसका बल्ब ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से वो चलता नहीं है। तो मैंने उसका बल्ब निकाल ही दिया है फाइनली, क्योंकि अब इसको मैं एज अ लैम्प यूज़ करूँगी विदाउट बल्ब, इस तरीके से फेरी लाइट लगा करके। तो इसके अंदर मैं ना इस तरीके से लाइट इंसर्ट कर रही हूँ, और लाइट इंसर्ट करने के बाद में ये एक ऐसा शोपीस बन जाएगा जिसमें लाइट भी निकलती है, यानी कि एज अ लैम्प की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। सो फाइनली जिसके लिए आपने अभी तक वेट किया था वो सामान निकाल रही हूँ, और मैंने CII के एग्जीबिशन से काफ़ी कुछ शॉपिंग की थी जो आप सबके साथ में अब शेयर करती हूँ। दिवाली से पहले मैंने आप सबके साथ में CII एग्जीबिशन का टूर शेयर किया था, और वहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी आप सबके साथ में। मैंने शेयर किया था कि उसका हॉल शेयर करूंगी दिवाली के बाद में, तो मैंने वहां से काफी सारी शॉपिंग की थी, जिसमें से कुछ सामान तो मैंने अभी उठा करके रख दिया है। धीरे धीरे करके जब जरूरत पड़ेगी तो उसको निकालूंगी मैं, और कुछ सामान ऐसा है जो कि मैंने यूज कर लिया है, अपनी जगह पर रख दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ज्यादा शॉपिंग करते हो फिर आप एक जगह डम नहीं कर सकते किसी भी चीज को, और अपनी अपनी जगह पर वो चीजें आपको सेट करनी होती हैं, और कुछ जरूरत भी होती है चीजों की तो उस हिसाब से हम उसको यूज कर लेते हैं। तो अभी कुछ कुछ चीजें जो जो मुझे याद थी वो तो मैंने निकाल करके रख ली हैं, जो एक दो रह जाएंगी वो आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। सबसे पहले एक ये खादी कॉटन की बेडशीट जो कि मैंने CII एग्जीबिशन में मुरादाबाद के एक स्टॉल से ली थी, और इस तरह की बेडशीट अगर आप फैब इंडिया वगैरह से देखते हैं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार की मिलती है। ये मुझे काफी अफोर्डेबल मिल गई थी, प्राइस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफी सारा सामान एक साथ लिया था। इसके बाद में गोवा का एक स्टॉल था जिसके ऊपर ये क्रोचेट वर्क था, यानी कि क्रोशिया से बने हुए ये कुशन कवर, बहुत सारा आर्टिकल उनके पास थे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सामान उनके पास अवेलेबल था। ये पिंक कलर के हैं और मेरी इस बेडशीट के साथ में बहुत अच्छे से जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको लगाया था। इनफैक्ट जब मैंने इसको लगाया था, मेरे यहाँ जो गेस्ट आए थे ना, उन्होंने इन क्रोचेट वाले कुशन कवर की काफी तारीफ करी थी, और मुझे खुद भी ये बहुत पसंद आए थे, इसीलिए मैंने इनको लिया था। पर मेरे ना कुशन कवर सारे ही खत्म हो गए थे, तो मैंने कुछ सुंदर सुंदर से लेकिन डिफरेंट से कुशन कवर की शॉपिंग की है। इस तरह के कुशन कवर ना यूजुअली मैंने ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं देखे हैं, तो इस बार मुझे दिखे तो मुझे बहुत पसंद आए, मैंने ले लिए हैं। इस बेडरूम की थीम के अकॉर्डिंग ही लिया है, हॉट पिंक कलर का, और वहां इतनी ज्यादा वैरायटी देखने के लिए मिली मुझे कि मैं कंफ्यूज हो गई। ये मैंने एक ही लिया है, इस तरीके से देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसके ऊपर, और ये सारा हैंडवर्क है, ओल्ड स्टाइल की एम्ब्रॉयडरी है। और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी ना मैंने भी की थी जब मैं छोटी थी, स्कूल गोइंग थी तब मैंने की थी, और जब मैं कॉलेज में आ गई थी तब मैंने इसमें का एक सूट भी बनाया था ग्रीन कलर का, मुझे अभी भी याद है। उसके ऊपर मैंने क्रीम और ग्रीन कलर से और येलो कलर से एम्ब्रॉयडरी की थी, सेम इसी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सूट था। आज भी मुझे याद है जॉर्जेट के कपड़े के ऊपर किया था मैंने, और वो बहुत ही सुंदर सूट लगता था। और उसके बाद में ना मुझे कभी ना एम्ब्रॉयडरी करने का टाइम, क्योंकि अब तो खैर टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ कभी मौका नहीं मिला, तो ये मुझे दिखा ना मैंने ये ले लिया है। इसलिए ये पीच कलर के खादी कॉटन के फैब्रिक के ऊपर बैक साइड से जिप लगे हैं और प्लेन है, ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कुशन कवर है, बर्ड्स बनी हुई है इसमें, और रेड और ऑरेंज कलर से पीच कलर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है।
और इस तरह के ना जनरली मैंने ना ऑनलाइन पर देखे नहीं है। ये इस तरीके का पेंटेड है और वहां पर इस तरीके के ना कुर्ते वगैरह भी मिल रहे थे, कुर्ते दुपट्टे। ये खादी कॉटन है बाय द वे सारे ही, और जो सबसे पहला वाला दिखाया था वो था कॉटन का। तो ये कुछ इस तरीके से है, बहुत ही खूबसूरत सा लोटस बना हुआ है। जरूरत के अकॉर्डिंग एक एक दो दो पीस लिए हैं, सिंगल सिंगल लिया है। एक ये पिल्लो कवर का सेट व्हाइट के ऊपर, ये देखिए कितना प्यारा काम किया हुआ है, इस तरीके से जाली वर्क है और ये सारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पिल्लो कवर है। इस तरह के पिलो कवर ना यहाँ चंडीगढ़ में आसपास मार्केट में नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन भी मैंने तो नहीं देखे हैं और मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी। तो ये ना मैंने दो लिए हैं इस तरीके से, और ये एक बेडशीट मैंने स्प्रेड की थी दीपावली पर, तो उसको मैंने वॉश करके देख लिया, वॉश करने के बाद में गफ हो गई है, बिल्कुल भी हल्का कपड़ा नहीं है। से मैंने ये सारी चीजें ली थी, अलग अलग स्टॉल से ली थी मैंने ये। वहीं से ना मैंने ये लिए थे दो टेबल रनर, चार लिए थे मैंने, और ये मैंने सॉलिड लिए। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सॉलिड क्यों लिए, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड भी वहां पर अवेलेबल थे और ये एम्ब्रॉयडर्ड काफी अच्छे लगते, तो ये मैंने चार लिए हैं। और शायद उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड हो जाएगा तो उसके साथ में प्लेन अच्छा लगेगा, ये सोच करके मैंने चार लिए थे। तो अभी भी दो मैंने स्प्रेड किए हुए हैं, दो ये हैं। और बेडशीट ली थी सेम उसी तरीके की जो मैंने दीपावली पर शेयर की थी आपके साथ में, लेकिन इसका थोड़ा वर्क डिफरेंट है। वर्क किस सेंस में डिफरेंट है मैं आपको पहले दिखा दूं। बेडशीट ये कुछ हॉट पिंक कलर की है इस तरीके की, और इसके पिलो कवर के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके का वही जाली वर्क है, और सेम इसी तरीके से पूरी बेडशीट में भी है। बेडशीट बहुत ही प्यारी लगी मुझे, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये जाली वर्क दिख रहा है। ये पूरे पहले कपड़े को कट किया जाता है, फिर उसको धागे के साथ में सिलाई की जाती है, और ये ना इस साइड में भी इसी तरीके का है। अभी मेरे पास ना ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड आई थिंक दो तीन हो गई हैं, बेडशीट काफी सारी हो गई हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये ना ट्रेडिशनल चीजें हैं, अब ये मतलब खो सी चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी हम इस तरह की चीजें डेली रूटीन में अपने घर में यूज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी रूट्स से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहते हैं, और ये तो मेरे बचपन की याद दिला रहा है। और मैं ना कभी ट्राई करूंगी दोबारा से इस वाली एम्ब्रॉयडरी को करने का, जब भी ट्राई करूंगी ना तो मैं आप सबके साथ में जरूर शेयर करूंगी। मैंने जो कुर्ता बनाया था ना उसमें वो छोटे वाले सितारे नहीं आते, बहुत छोटे वाले व्हाइट कलर के, सिल्वर जैसे कलर के, वो भी मैंने लगाए थे, और उसमें कहीं कहीं गांठ की कढ़ाई भी की थी, जो गांठ वाली कढ़ाई आती है। आप में से कितने फ्रेंड को आती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे आप में से कई फ्रेंड मुझे अपनी अपनी एम्ब्रॉयडर्ड चीजें भेजते हैं इंस्टाग्राम पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे भी आप सब से बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, और आप चाहें तो अपनी चीजें मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई हैंड एम्ब्रॉयडर्ड आपने चीजें बनाई हैं तो और भी शेयर कर सकते हैं। और मुझे कई फ्रेंड्स ने बहुत खूबसूरत सी चीजें भेजी हैं जिनको देख करके ना मन खुश हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो मैंने ली थी फर्निशिंग में, और भी चीजें ली थी वो मुझे इस टाइम दिख नहीं रही हैं क्योंकि ढूंढनी पड़ेगी। मैंने जैसे जो सामने रखी थी ना चीजें वही निकाली हैं। उसके बाद में ना मैं ज्वेलरी वाले सेक्शन में गई थी, और वेस्ट बंगाल की बहुत सारी चीजें हैंडक्राफ्टेड थी, तो उसमें से ना एक दूसरा स्टॉल था, पता नहीं कौन सा स्टॉल था, वहां से मैंने ना ये चूड़ियां ली थी। एक तो ये है, ये तो आपको ऑर्डिनरी मार्केट में मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे चाहिए थी, जो दीपावली पर मैंने साड़ी पहनी थी उसके साथ की सोच करके मैंने ये सेट लिया था, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी साड़ी में गोल्डन वर्क था, सिल्वर नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ना ये वाली पहनी नहीं। आप देख पाएंगे ये एज इट इज रखी है, अभी सिल्वर को किसी और चीज के साथ में मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ। ज्वेलरी ली थी मैंने, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी ज्वेलरी मैंने ली है, ये आपको दिखाऊं। एक तो ये अन्वेषा के लिए लिया है, ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मुझे दिख गया वहां पर तो मैंने ये ले लिया। इसके अलावा एक ये कोलकाता का स्टॉल था, वहां से मैंने लिया है नेकपीस, इसके साथ में ना कौड़ी शैल के ना इयर रिंग भी हैं, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेटमेंट पीस है ये इस तरीके का।
बहुत ही खूबसूरत सा है ये साड़ी पर, ड्रेसेस पर, गाउन पर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिल्वर ऑक्सीडाइज है और इसके साथ में कौड़ी लगी है, रेड कलर का धागा है ये, जो कि एडजस्टेबल है। इसके इयररिंग ना इसके अंदर सारे गिर गए हैं जो दिख नहीं रहे हैं मुझे। इसके बाद में ये सारा ना अनऑर्गेनाइज हो रखा है तो इसको भी मुझे ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, हैंडमेड ज्वेलरी भी वहाँ पर काफ़ी सेल हो रही थी तो मैंने वहाँ से लिया है, जिसका इयररिंग इस तरीके का है आप देख पाएंगे, और नेक पीस ये कुछ इस तरीके से है। बाकी जब मैं पहनूंगी तब आपको दिखा दूंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, डिफरेंट सा लगा तब मैंने ये ले लिया है। और एक ऑक्सीडाइज लिया है मैंने, ये बहुत ही प्यारा सा सेट है, ये आप कोई भी साड़ी के ऊपर वगैरह डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये है, इसके इयररिंग्स काफी अच्छे हैं, ये देखेंगे इस तरीके के इयररिंग्स हैं वाले इयररिंग, इनको आई थिंक कान वाला बोला जाता है और उन्होंने मुझे बताया था। इसको मैंने पहन करके देखा, इसको पहनने के बाद में ना काफी हैवी लुक लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था इस कान में ना आवाज नहीं आ रही है। तो ये गोल्ड प्लेटेड है इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत है। इसका दूसरा वाला मिल नहीं रहा, सारा मिक्स हो रखा है डब्बे के अंदर, तो मैं अभी ऑर्गेनाइज करूंगी तब इसको निकालूंगी। और एक मैंने ये शाखा पावला लिया था, ये भी बहुत खूबसूरत है वहीं के स्टॉल से। और भी मैंने कुछ ज्वेलरी और ली थी जो कि मुझे अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये शाखा पावला का डिज़ाइन बहुत प्यारा है, कुछ इस तरीके से है, और ये तो मैं अभी डेली रूटीन में पहनने वाली हूँ। कुछ और सामान भी था जो कि मुझे अभी मिल नहीं रहा है, मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने कहाँ रखा था, क्योंकि दिवाली की हौच पौच में समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ कुछ सामान कहीं कहीं पर रखा हुआ था, अब दोबारा से इन सभी सामानों को ऑर्गेनाइज करूँगी तब निकलेगा धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, बस यही शॉपिंग थी जो मैंने आज आप सबके साथ में शेयर की। आपको क्या अच्छा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।